الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون इस्लामी और दीनी भाइयों और मोहतरम असाज़े-ए-किराम, पिछले जुमे के खुतबे में आखिरी बात जो आपके सामने पेश की गई थी वो ये थी कि क्या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म का लकब दिया जा सकता है। आपको इस लकब से याद किया जा सकता है या नहीं, और आपको बतलाया गया था कि ना तो कुरान करीम की रूह से ये बात सही है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक ये बात सही है और ना ही खुद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात है उनके एतबार से भी ये बात सही और दुरुस्त नहीं है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म कहा जाए या ये लकब उनको इनायत किया जाए। ये सिफत अगर किसी की हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा किसी भी इंसान को और किसी भी फरिश्ते को किसी भी मखलूक को गौसे आज़म का लकब इनायत नहीं किया जा सकता है। आखिरी सवाल ये था कि आखिर इस तरह की चीज़ें मुसलमानों के दरमियान आई कहाँ से हैं। ये लकब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को क्यों अता किया गया है, इसका मस्दर क्या है और इसका माखज़ क्या है और इसका सोर्स क्या है। आइए तो ये बात जिक्र करने से पहले कि ये चीज कहां से आई, मैं जरा मुख्तसर अंदाज ही में सही कि किस तरीके से एक कुरान और हदीस पर मुश्तमिल दीन के मुकाबले में एक नया दीन एक नई शरीयत लोगों ने बनाने की गढ़ने की कोशिश की। आइए, कहा जाता है कि दुनिया में चार वली ऐसे हैं जिन्हें अवतार कहा जाता है,
दुनिया में चार वली ऐसे हैं जिनको अवताद का लकब इनायत किया गया है। अवताद ये अरबी जबान का लफ्ज है, ये वतिद की जमा है, और वतिद कहा जाता है खेमे की जो मेख होती है उसको वतिद कहा जाता है अरबी जबान के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में भी ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। और वो मौका है वह फिरौन अज़ल अवताद, फिरौन के ताल्लुक से ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। फिरौन को मेखों वाला फिरौन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया है। एक वजह तो ये हो सकती है कि उसकी हुकूमत और सल्तनत और इख्तदार इतना मजबूत था कि कोई हिला नहीं सकता था, वो अपने आप को ये समझता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए फिरौन को ये लकब दिया गया। या ये कि अगर किसी को सजा देता था तो इतनी इबरतनाक दर्दनाक सजा देता था कि मेखे चुकवा दिया करता था, इस वजह से फिरौन को ये लकब दिया गया। बहरहाल यहां चार वलियों को ये लकब दिया गया है जिनको औताद कहा जाता है। क्यों ये लकब दिया गया? इसलिए कि उन्होंने दुनिया के चारों किनारों को थाम रखा है। जमीन के दुनिया के चार किनारे हैं, उसकी चार जहत हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, लिहाजा हर जहत का इंतजाम और इंसराम संभालने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक वली की जरूरत है। तो गोया कि जिस जमीन पर हम रहते हैं इसका निजाम और सिस्टम इन चार वलियों को दिया हुआ है। और उसके बाद आगे देखिए, इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा सात और ऐसे औलिया हैं जिन्होंने सात आसमानों में से एक एक आसमान का निजाम संभाला हुआ है। सात आसमान है, हर एक आसमान का निजाम एक वली के सुपुर्द किया हुआ है, वो संभालता है। और इस निजाम और सिस्टम को संभालने वालों को नाम जो दिया गया है वो अब्दाल क्या दिया गया है, हो सकता है हमने सुना हो अब्दाल, कुतुब व अब्दाल उर्दू वाले भी इस्तेमाल करते हैं, अब्दाल का लकब दिया गया है। और ये बात एक आलिम है, डॉक्टर हसन शरकानी की एक किताब है, सूफी हजरात की जो इस्तिलाहात हैं उनको इकट्ठा किया गया, उसके अंदर ये बात मजकूर है। और आगे चलते हैं, कहते हैं कि 40 वली ऐसे हैं जिन्होंने मखलूक का बोझ उठा रखा है, जमीन पर जो सारी मखलूक है या आसमानों में जो मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, उसका बोझ इन 40 वलियों ने उठा रखा है। इनको क्या लकब दिया गया है? इन्हें नुजबा कहा जाता है, नजीब की जमा है। नजीब अरबी जबान के अंदर शरीफ उन नसब इंसान को नजीब कहा जाता है, यह जिसके अंदर अच्छी सी बात मौजूद हो। यह बात अब्दुल रज्जाक काशानी ने उनकी किताब है इस्तिलाहात सूफिया में जिक्र की है। और आगे चलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि 300 वली ऐसे हैं जो लोगों के साथ शहरों में रहते हैं। 300 वली जो लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, रहन सहन उनका लोगों के साथ होता है, उठना बैठना होता है। और इसके बाद लिखते हैं इन सब पर एक बड़ा वली होता है, 300 वलियों का एक सरदार होता है, खास वली होता है जिसे कुतुब अकबर या गौसे आजम कहा जाता है। अब मालूम यह हुआ कि ये गौसे आजम का लकब कहां से आया, कि 300 वलियों का जो सरदार हो वो गौसे आजम कहे जाने का मुस्तहिक है, उसको ये ओहदा और मनसब दिया गया है। या तो उसे कुतुब अकबर कहा जाए या गौसे आजम कहा जाए। और इस सरदार के सिलसिले में एक बात और लिखी गई है, ये हमेशा मक्का मुकर्रमा में रहता है, मक्का मुकर्रमा इसका मस्कन है, रिहायश और ठिकाना मक्का मुकर्रमा में है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है,
जबकि दुनिया में जो आफत मुसीबत भी पहुंचती है, दुनिया वालों पर आफतें मुसीबतें आती रहती हैं। आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, सारी दुनिया के लोग परेशान हैं। कहते हैं कि दुनिया वालों पर जो आफतें मुसीबतें आती हैं वो इन सब औलिया से होकर गौसे आजम तक पहुंचती हैं, वलियों के पास आती हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा वली होता है उसके पास आती हैं, वो क्या करता है और वो उन्हें दूर फरमाते हैं। मुसीबतें बलाएं आफतें जो सबसे बड़ा वली है गौसे आजम है, उसके पास पहुंचने के बाद लोगों की मुश्किल आसान हो जाती है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लिहाजा अगर ये बात सही है तो अब तक लोग क्यों खामोश हैं? गौसे आजम ही के जरिए से अगर ये मुसीबतें टलती हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं, तो ये कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी जो टलने का नाम नहीं ले रही, क्यों आखिर लोगों ने गुजारिश नहीं की? या ये कहा जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इख्तियार में और बस में ये चीज है ही नहीं, ये बात सरासर झूठ है कि गौसे आजम हर तरह की परेशानी लोगों की दूर फरमाते हैं। कुरान ने फरमाया अब मैं नजीबुल मुस्तरा इजादा हूं, परेशान हाल की मुसीबत और परेशानी को कौन सुनने वाला है, कौन उसको दूर करने वाला है? क्या अल्लाह ताला के अलावा जिनको लोगों ने अपना कासा समझ रखा है वो दूर करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई दूर करने वाला नहीं है, कुरान ये कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि गौसे आजम सारी परेशानियों को दूर करते हैं। आइए यहां पर कई सवालात होते हैं, उनमें से एक अहम सवाल ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है, सीरत निगार हजरात में लिखा है कि सारी जिंदगी बगदाद में इन्होंने गुजारी है, बगदाद में रहे ये। और बाज मुर्रखीन ने इतना तक लिखा है पैदाइश भी इनकी बगदाद में हुई है, वफात भी इनकी बगदाद में हुई है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, तो अब सवाल यह है कि गौसे आजम के लिए मक्के में होना जरूरी है, तो गौसे आजम पर जब यह शर्त मुंतबिक ही नहीं होती है, यह शर्त पूरी ही नहीं होती है, आप मक्के मुकर्रमा में नहीं थे, आप बगदाद में थे, इराक में थे, तो फिर उनको ये लकब देने का क्या मतलब है? तो ना तो कुरान के मुताबिक, ना हदीस के मुताबिक, खुद शेख की तालीमात के मुताबिक, और जो उनके अकीदतमंद हैं उन्होंने गौसे आजम का लकब देने के लिए जो मेयार कायम किया है, जो शर्त लगाई है, वो शर्त भी पूरी नहीं होती है। इसलिए इस एतबार से भी शेख को गौसे आजम कहना जायज और दुरुस्त नहीं है। और आइए इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि शेख जीलानी के बाद और दुनिया में कौन कौन से गौस हुए हैं? क्या सिर्फ दुनिया के लिए एक ही गौस काफी है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी छठी सदी हिजरी में इनकी वफात हुई है, लिहाजा इनसे पहले कोई गौस हुआ है या नहीं हुआ है? कोई इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इनके अलावा भी कोई गौस हुआ है। और एक सवाल और होता है इनके ताल्लुक से कि अगर गौस जिनको कहा गया है कि ये मक्के मुकर्रमा में होना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो दुनिया से चले गए, तो आजकल मक्के में कौन इस मनसब पर फाइज है, उसकी तायीन की जानी चाहिए, उसका नाम जिक्र किया जाना चाहिए, और अभी दुनिया बाकी है और कौन कौन इस अहदे और मनसब पर फाइज होंगे, ये सारे सवालात पैदा होते हैं। लेकिन हाँ अभी एक जवाब आपको नहीं मिला है,
जिसके लिए बात कही जा रही है कि आखिर ये बात आई कहां से, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को जो लकब इनायत किया गया है इसका मस्दर क्या है, इसका माखज क्या है। इसका मस्दर और माखज लोगों ने जो हदीसें घड़ी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत तरीके से घड़ कर निस्बत करती है कि ये हदीसे रसूल है, वो घड़ी हुई रिवायतें और हदीसें इन सारी चीजों का माखज और मजदर है। इसलिए ये बात आपके जहन में रहे कि गौस के ताल्लुक से, अब्दाल के ताल्लुक से, अख्ताब के ताल्लुक से, नुजबा के ताल्लुक से, नुकबा के ताल्लुक से जितनी भी हदीसें रिवायतें जिक्र की जाती हैं सारी की सारी रिवायतें या तो घड़ी हुई हैं, झूठी हैं, या उनकी सनद दुरुस्त नहीं है। आइए मैं सिर्फ एक कौल इस सिलसिले में जिक्र करता हूं। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह मोतबर मशहूर आलिम दीन है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद है। आइए इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कहते हैं अहादीसुल अब्दाल वल अक्ताब वल अगवास वल नुकबा वल नुजबा वल औतान कुल्लुहा बातिलतुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जिन हदीसों में अब्दाल का जिक्र आया है, जिन हदीसों में कुतुब का जिक्र आया है, जिन हदीसों में गौस का जिक्र आया है, जिन हदीसों में नुकबा का, नुजबा का और औताद का जिक्र आया है, कुल्लुहा बातिलतुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी की सारी हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी घड़ी गई। और इन रिवायतों में जिस हदीस को कुछ गनीमत कहा जा सकता है वो एक हदीस ये रिवायत है, लेकिन सनद के लिहाज से ये रिवायत भी दुरुस्त और सही नहीं है। वो क्या है, ला तसुबू अहल शाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शाम वालों को बुरा भला ना कहना, उनको गालियां ना देना। क्यों, फैन नफीहिम अलबुदला, और बाज़ रिवायत के अंदर अब्दाल का लफ्ज आया हुआ है कि उनके दरमियान अब्दाल किस्म के लोग हैं। लेकिन यहां अब्दाल का वो माना मकसूद नहीं है जो कि ये लोग बताते हैं। इनके यहां अब्दाल का मतलब सातों आसमान का निजाम जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, ये माना मकसूद नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर इस कौल को सही मान लिया जाए तब। बल्कि यहां मकसूद है मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। इन लोगों के दरमियान कुल्लमा माता रजुल मिनहु अब्दलल्लाहु मकानहु रजुलन आखर, और इनमें से जब किसी की मौत हो जाती है, वफात हो जाती है, अल्लाह ताला उसकी जगह एक दूसरे नेक इंसान को भेज देता है, पैदा फरमा देता है। ये वो सरजमीन है जो मुत्तकी परहेजगार लोगों से खाली नहीं होती है। हदीस का अगर सही हो तो ये माना और मतलब है, ये मकसूद नहीं है अल्लाह के रसूल का, और ना ये फरमाया गया है कि ये वो लोग हैं जो आसमान का निजाम चला रहे हैं। आइए इसके बाद इब्न कय्यिम लिखते हैं ज़करहू अहमद वला यसहु अयज़न, इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में जिक्र किया है लेकिन हदीस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कहा ले फइन्नहु मुनक़ति, इसकी सनद मुनक़ति है। हदीस के सही होने के लिए सनद का मुत्तसिल होना लाजमी शर्त है, ये हदीस दुरुस्त नहीं है। अव्वलन तो ये हदीस दुरुस्त नहीं है, और अगर दुरुस्त मान भी लिया जाए तो अब्दाल का वो माना जो सूफियाए किराम लेते हैं वो मकसूद हदीस में नहीं है। आइए एक और हकीकत, और ये बात मुझे इस अंदाज से कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन लोगों के अंदर जो गलतफहमियां पाई जाती हैं, लोगों के अंदर जो गलत अकायद पाए जाते हैं, उनकी वजह से मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में बाज़ मुसलमान ये इत्तेफाक रखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हर
मदद करते थे, और जिंदगी ही में नहीं बल्कि वफात के बाद भी उसी तरीके से जिस तरीके से आप जिंदगी में मदद करते थे, वफात के बाद भी अगर कोई उनको पुकारता है चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में हो तब भी शेख उसकी मदद फरमाते हैं और दस्तगीरी करते हैं। ये एतकाद मुसलमान रखते हैं। आइए एक हकीकत आपके सामने मैं जिक्र करूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अगर इस कायनात में मरने के बाद भी लोगों की अगर मदद कर सकते थे तो इस वाकये पर आप गौर फरमाएं। ये वाकया शेख की वफात के चंद साल के बाद का है। एक हाकिम था मुसलमानों का नासिरुद्दीन, और उसका एक वजीर है अबुल मुजफ्फर जलालुद्दीन अब्दुल्लाह इब्ने यूनुस बगदादी। इस वजीर ने क्या किया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस मदरसे में रहते थे वही उनका मस्कन था, उसी मदरसे में पढ़ाया करते थे। जब वफात हुई तो लोगों ने उसी मदरसे में उनको दफना दिया, उनकी कब्र बना दी उसी मदरसे के अंदर, और उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर मजार बना लिया, रोजा बना लिया। लिहाजा इस वजीर ने आपके मकान को, मदरसे को और मजार को मिसमार करा दिया, गिरवा दिया, इसलिए कि वो तो बादशाह का वजीर है, हुकूमत उसके हाथ में है, उसने गिरवा दिया आपके मजार को, और आपकी औलाद, आपके बेटे, आपके घर वाले उनको भी उससे बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। और यहां तक किया उसने कि शेख की जो कब्र है उसको भी खोद डाला, उसका नाम निशान खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, कब्र के अंदर जो हड्डियां थी शेख की वो भी इकट्ठी करा के वहां से दरियाए दजला में फिकवा दी गई। और उसकी दलील ये थी, उसने कहा कि ये वक्फ की जायदाद और जमीन है, इसमें किसी का भी दफन किया जाना जायज नहीं। वो मदरसा जब जो था जिसमें शेख पढ़ा रहे थे वो वक्फ की जायदाद थी, वजीर ने इनकी कब्र को वहां से नेस्त नाबूद करके खत्म करा दिया। अब आप जरा गौर फरमाएं इस हादसे और इस वाकये पर। कोई कह सकता है कि इसकी सनद क्या है, इसका सबूत क्या है। आइए मैं दो एक सबूत का जिक्र कर दूं। एक किताब है शजरातुज़्ज़हब फी अखबार मन ज़हब इब्ने इमाद हम्बली आलिम दीन है, मोतबर आलिम दीन, उन्होंने ये शेख की कब्र के उखाड़े जाने का वाकया जिक्र किया है। इसी तरीके से एक दूसरे आलिम दीन है जमालुद्दीन, उनकी किताब है अन्नुजूम अज़्ज़ाहिरा फी मुलूक मिस्र वल काहिरा। इस किताब के अंदर भी ये हादसा शेख के ताल्लुक से जिक्र किया गया है। और इसी तरीके से अबू शामा की एक किताब है अज़ैल अल रौतैन, इसमें भी हादसा जिक्र किया गया है। बहुत सारे मौलवीन ने यह हादसा जिक्र किया है, और जो अकीदतमंद हैं उन्होंने खुद एक साथ में किताब लिखी है वो सुस्तने इंसानों और जिन्नात के की मदद करने वाले। मैंने बताया था ये लकब भी शेख को दिया जाना दुरुस्त और जायज नहीं है शरीयत की रूह से, लेकिन किताब लिखी है गौस उस तकलें। ये हादसा शेख के ताल्लुक से उन्होंने भी जिक्र किया है कि किस तरीके से आपकी कब्र को उखाड़ कर हुकूमत के वजीर ने नेस्त नाबूद कर दिया। आइए सोचिए थोड़ा सा इस हादसे, इस वाक्य से चंद बातें मालूम होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शेख जीलानी को कायनात में तसर्रुफ की कुदरत हासिल नहीं, वफात के बाद आप किसी की मदद कर सकें ये कुदरत आपको हासिल नहीं। अगर ये चीज आपको हासिल होती तो सबसे पहले आप किसकी मदद फरमाते, अपने बेटों की मदद फरमाते, जिनको बेघर कर दिया गया उनकी मदद करते, और उसके बाद खुद अपनी मदद फरमाते, दिफा करते अपना कि मेरी हड्डियों को यहां से निकालकर दरिया पर किया जा रहा है, दिफा नहीं करते
لہذا معلوم یہ ہوا کہ شیخ وفات کے بعد کسی کی مدد، شیخ ہی نہیں کوئی انسان دنیا کا یہاں سے جانے کے بعد کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے، اور اگر وہ مدد کرتے تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ واقعی وہ مدد کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی ہے اس حادثے واقعے سے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، وہی نہیں، ان سے چھوٹے چھوٹے جو لوگ ان کو کہتے ہیں زندہ ہیں، یہ لوگ اپنی قبر میں، معلوم یہ ہوا کہ زندہ نہیں تھے جب ان کی ہڈیاں اکھاڑ کے پھینک دی گئی۔ آئیے تیسری بات، آپ کی بوسیدہ ہڈیاں دریائے نجلہ میں بہا دی گئی، اس لیے اس کے بعد اس وقت جو بغداد میں مزار ہے آپ کا جسے روضہ کہا جاتا ہے اور لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ جو قبر ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ فرضی قبر ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اصلی قبر تو اس حاکم نے وزیر نے اکھاڑ کر ہی پھینک دی تھی، لہذا اب جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے وہ اصلی قبر نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے بات۔ اور اسی ایک قبر کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کے دفن ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں کسی کی قبر موجود نہیں۔ اس امت کو کیا ہو گیا، کوئی پتنگ شاہ بابا ہے، کوئی کتے شاہ بابا ہے جن کا نام تک مسنون نہیں ہے، پتنگ اڑانے والا بابا، کتے شاہ کتا رکھنے والا بابا، وہاں کسی کی قبر موجود نہیں ہے، لوگوں نے جھوٹا نام دے کر قبر بنا رکھی ہے۔ ایسی کتنی قبریں ہیں جہاں کوئی قبر نہیں، شیخ کی جو قبر ہے وہ وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، جعلی اور فرضی قبر پر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور شیخ کی بے وسی، وفات کے بعد ہر انسان کی بے وسی معلوم ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود شیخ کے مزار پر جو شعر لکھا ہوا ہے، آئیے فارسی زبان میں شعر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ مسلمان آپ کی قبر کو کھڑے جانے کے حادثے سے عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آتا ہے، کوئی کسی کا دفاع نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، لیکن وفات کے بعد آپ کے جعلی مزار پر فرضی قبر پر جو شعر لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر حسن، ہر دو عالم دونوں جہان کے جو بادشاہ ہیں کون ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں دونوں جہان کا بادشاہ ہوں، لیکن شیخ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آئیے آگے کیا لکھا ہے، آگے لکھا ہے سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر حسن، ساری انسانیت کے سردار کون ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری انسانیت کے سردار۔ آئیے اس سے بڑی نبی کی توہین کوئی کر سکتا ہے، آج ہمیں شکوہ ہے، شکایت ہے، دوسرے لوگ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے جو اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں، ساری انسانیت کا سردار کون ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ساری انسانیت۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اور یہ ادھر ادھر کی حدیث نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، نبی یہ فرمائے کہ میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، اور بعد میں آنے والے مسلمان یہ فرمائے کہ عبد القادر جیلانی ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ آپ سوچئے کس کی بات سے، نبی کی کس حد تک ہم توہین کرتے ہیں، نبی نے خود فرمایا ہو کہ میں انسانیت کے سردار ہوں، اور ہم کہیں کہ ساری انسانیت کے سردار عبد القادر جیلانی ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، اس سے زیادہ اور نبی کی توہین ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور آئیے، نبی تک کا مسئلہ نہیں ہے، آگے لکھا ہے، یہ قبر پر لکھا ہے، اگر جاتے ہیں لوگ یہ شعر دیکھ کے آئے، قبر پر مزار پر لکھا ہوا ہے یہ شعر،
आगे लिखा है, आफताबो महताबो अर्श कुर्सी व कलम जेरे पाए शेख अब्दुल कादिर। कहते हैं आफताब सूरज महताब चांद चलिए यहां पर बात समझ में आती है। सूरज की तौहीन की जाए चांद की तौहीन की जाए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के मज़ाहिर है। चलिए यहां तक बात समझ में आती है। कहते हैं चांद सूरज व अर्श कुर्सी व कलम अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस अर्श पर मुस्तवी है वो अर्श अल्लाह ताला की कुर्सी और अल्लाह ताला का कलम क्या हैसियत है इनकी जेरे पाए शेख अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पांव के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श उसकी कुर्सी उसका कलम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पांव के नीचे। आप सोचिए कि जो कौम जो मुसलमान इस हद तक इतनी जुरत पर आ जाए नबी की तौहीन करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दसात की तौहीन करते हो उनके मसाइल उनकी मुश्किलात उनकी परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए जो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं और उन हस्तियों को जो किसी के काम नहीं आ सकती हैं बेबस हैं लाचार हैं मजबूर हैं उनको मदद के लिए पुकारते हैं। और आगे सवाल ये है मजीद बेबसी मैं जिक्र करूंगा मरने के बाद इंसान कितना बेबस होता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार आज भी मौजूद है और अब से कुछ साल पहले भी मौजूद था। सन 1991 में अमरीकी फौज ने इराक पर हमला किया बगदाद पर हमला किया लेकिन मजलूम इराकी मिसाइलों के सामने और जदीद टेक्नोलॉजी के सामने अपना दिफा नहीं कर सके और इतनी ज्यादा बमबारी की गई कि इस बमबारी की जद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी है उसका कुछ हिस्सा डैमेज भी हो गया इस बमबारी के अंदर। सवाल यह है कि लोग सद्दाम हुसैन और उसके पीछे जितने लोग थे लोग तो नारे लगाते थे लेकिन सवाल यह है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी वहां मौजूद थे। अगर आप भी समझते हैं कि वो मदद करने वाले हैं तो आखिर क्यों मदद नहीं की गई क्यों मदद नहीं की। और आइए एक और खबर मैं आपको अरबी अखबार से सुनाई देता हूं। यह खबर है 28 मई 2007 की एक खबर छपती है अखबार के अंदर हकीकत है ये क्या है तार रजा अजरी ले सैयारत मुफखरा अद्दा इला मक्तले हवाले 24 शख्स एक शख्स एक गाड़ी लेकर आया धमाका खेज मादा उस गाड़ी में मौजूद था भरी हुई थी उसने क्या किया शेख का जो मजार है जो कब्र है उस पर उस गाड़ी से हमला किया और इसके नतीजे में वो धमाका खेज मादा फटा और उससे क्या नतीजा निकला उसके नतीजे में 24 लोग मौके पर ही वफात पा गए उसी वक्त मौत हो गई 24 लोगों की। और दूसरा नुकसान वह जरह 68 आखरीन और 68 लोग शदीद जख्मी हुए। तीसरा नुकसान तजर्रा मबना दरी और जो कब्र का कब्र की जो इमारत है जिसे रोजा कहते हैं जो मजार है उसको भी नुकसान पहुंचा। चौथा नुकसान वल मस्जिद अल असरी और कदीम मस्जिद मजार के पास है उसको भी नुकसान पहुंचा। कितना नुकसान अन्नहु कदमरन जुदरान अल खारजी जो बैरूनी बाहर की जो दीवारें थी वो डैमेज हो गई ढह गई वह कुब्बतन मस्जिद का जो कुब्बा था वो भी गिर गया वह मनारत अल मस्जिद मस्जिद का जो मनारा था वो भी गिर गया। ये हादसा ये वाकया है 2 मई 2007 का शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को आपके मजार को बराहे राज
डायरेक्ट निशाना बनाया गया। सवाल ये है, अगर हम ये एतकादी अकीदा रखते हैं कि शेख वफात के बाद भी हमारी सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारी परेशानियों को दूर फरमाते हैं, ये कैसे सही हो सकता है? अगर शेख इतने पावरफुल होते, इतने इख्तियारात अगर उनको हासिल होते तो 24 बेगुनाह लोग सदमे आ गए जो ज़ियारत के लिए गए हुए थे, क्या उनका बदला नहीं लेते, उनका इंतकाम नहीं लेते? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए। और कोई चीज कहने से पहले, किसी को कोई लकब देने से पहले उसके बारे में सोचने की, समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये उनके लिए जायज भी है या जायज नहीं है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। वाह।